जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि जो कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि जो कि आईपीएल सीजन 17 के बारे में जो कि आईपीएल सीजन 17 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि यह मुकाबला जो कि 15 मुकाबला हो चुका है, 50वां मुकाबला है आज, जो कि आज वही मैं बात करूँगा जो कि इनके बारे में, जो कि आप लोग भी सुनकर करोगे ताली बजाओगे। जी हाँ मेरे दोस्त, चलते हैं, जो कि काबिल तारीफ़ करने वाली बात है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, अक्सर मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, वही मैं बात करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्त, देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, जो कि मैं बात करूँगा जिस तरह से यहाँ पर पावर प्ले में बॉलिंग हुई है, काबिल तारीफ करनी होगी जिस तरह से यहाँ पर बॉलिंग किए हैं, जो कि RR ने यहाँ पर टॉस जीत कर, जो कि RR और SRH के बीच यह मुकाबला हुआ, जो कि यह मुकाबला में टॉस जीत कर यहाँ पर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, जो कि यहाँ पे टॉस जीतते यहाँ पे बैटिंग करने का फैसला किया। वही मैं बात करूँगा जिस तरह से यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने बैटिंग की है, काबिले तारीफ करने होगा जिस तरह से यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिरे और झटका लगे और रन कम बने पावर प्ले में, फर्स्ट पावर प्ले में 37 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ मेरे दोस्त, वही मैं बात करूँगा जिस तरह से यहाँ पर ट्रेविस हेड ने गजब की पारी खेली और शानदार पारी रही उनकी, वही उनकी बदौलत। और वही मैं बात करूंगा जो कि 2 विकेट लगातार गिरे हैं, मैं बात करूंगा अभिषेक शर्मा और एस सिंह का, जो कि ये काबिले तारीफ करने की बात है, जो कि यहाँ पर दोनों का विकेट जल्दी गिर गया पावर प्ले। वही मैं बात करूंगा NK रेड्डी, जो कि ये लास्ट तक बने रहे हैं, जो कि यह काबिले तारीफ है। वही मैं बात करूंगा हेनरी क्लासन ने भी बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, मात्र 19 गेंदों में 42 रनों बनाया, 3 चौका 3 छक्का, लगभग 200 प्लस स्ट्राइक रेट से रन बनाया। जी हमें दोस्त, वही मैं बात करूंगा NK रेड्डी, जो कि यहां पर 180 के स्ट्राइक रेट से प्लस बनाया। जी हमें दोस्त, वही मैं बात करूंगा ट्रेविस हेड का, ट्रेविस हेड ने आज फिर से एक बार कमाल कर दिया और काबिल तारीफ करनी होगी जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी बन किए हैं। और वही मैं बात करूँगा पावर प्ले में मात्र 37 रन, वही मैं बात करूँगा 8 ओवर में 108 रन बना है यहाँ पे। जी हाँ मेरे दोस्त, यही मैं बात करूँगा, जो कि लास्ट 8 ओवर में मात्र पूरा 108 रन बना, जो कि काबिले तारीफ करनी होगी। जी हमें दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी हुई लग रहा था इतना बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, पर यहाँ पर स्कोर अच्छा बन गया, अच्छा खासा चेजिंग करने का। जी हमें दोस्त, वही मैं बात करूँगा, यहाँ टोटल स्कोर 20 ओवर और 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर टोटल स्कोर 201 रन हो गया 20 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद। क्या RR यह मुकाबला जीत पाएगी? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद। जी हाँ मेरे दोस्त, धन्यवाद। इसी तरह का मैं रोजाना वीडियो लाता रहता हूँ।